हमारे सभी इंश्योरेंस अभिकर्ताओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मुझे ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना पड़ेगी, क्योंकि ये जानकारी हमारे ग्राहकों के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे एडवाइजर्स के लिए भी। साथियों, आप जानते हैं कि आज के समय में किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा रहा है। सभी लोगों को इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से कॉल आ रहे हैं, अलग थर्ड पार्टी वेंडर्स के माध्यम से कॉल आते हैं। मैं बीच में मेरी बात को रोकते हुए फिर भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे अभिकर्ता हैं और आप अगर किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक ग्राहक के लिए है, क्योंकि ये ग्राहकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। क्योंकि बहुत सी बार हम लोगों को सुनने में आता है, हमारे एक सब्सक्राइबर का आज कॉल आया था और उनका ये कहना था कि सर, हम ऑनलाइन किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से टेलीफोनिक कॉल बाय करें या फिर हम किसी अभिकर्ता के माध्यम से बाय करें जिन्हें हम जानते हैं या फिर हम जिसको देख रहे हैं वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन भी सर्विस अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, पर इंश्योरेंस का व्यापार और इंश्योरेंस का ग्राहक अगर अपने नजदीकी एडवाइजर या फिर एक ऐसा एडवाइजर जो कि वाकई मार्केट में एक अच्छी सर्विस दे रहा है, भले आप उसे नहीं जानते हैं, उसे मौका जरूर दीजिए, आप उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि इंश्योरेंस का व्यापार सर्विस के बिहाफ पर चलता है। आप अगर कोई पॉलिसी बाय कर लेते हैं, थर्ड पार्टी पर्सन है जिन्हें आप कभी देख भी नहीं सकते हैं, टेलीकॉलर के थ्रू अगर आप परचेस करते हैं तो आप उन्हें बाय जरूर कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ सर्विस आपको वहां पे वो पर्सन की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉलिसी की जानकारी किसी और के माध्यम से होगी, पॉलिसी का रिजल्ट कोई और के माध्यम से मिलेगा। जब हमारे पास कोई एडवाइजर होता है तो हमारे पास एक शक्ति